हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक परमिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप सिंबॉलिक मेथड के द्वारा किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को कैसे चेंज करते हैं CH मोड कमांड के द्वारा, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन को आप न्यूमेरिक मेथड से कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों, न्यूमेरिक मेथड के द्वारा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग वही तीन नंबर यूज करते हैं, 4, 2, 1, यही हम लोग नंबर यूज करते हैं। अब इनको कैसे यूज करते हैं वो देखिए दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंबॉलिक मेथड के अंदर हम लोग ऑनर यूजर के लिए यू अल्फाबेट यूज करते हैं, ऑनर ग्रुप के लिए जी, और अदर यूजर के लिए हम लोग ओ अल्फाबेट यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप न्यूमेरिक मेथड के द्वारा परमिशन चेंज करना चाहते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की, तो उसमें हम लोग UGO या किसी भी अनदर अल्फाबेट की हेल्प नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कमांड हमारी वही है CH मोड कमांड, और यहां पर हम लोग तीन नंबर यूज करेंगे। अब इसमें फर्स्ट नंबर जो होता है ये ओनर यूजर की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर जो होता है वो ओनर ग्रुप की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड नंबर जो होता है वो ओनर सॉरी अदर यूजर की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर। अब कमांड हम लोग यूज करते हैं CHMOD स्पेस नंबर, नंबर 3 डिजिट में होना चाहिए, ओनर यूजर, ऑनर ग्रुप और अदर यूजर की परमिशन, स्पेस फाइल और डायरेक्टरी नेम। ये हम लोग कमांड यूज करते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को न्यूमेरिक मेथड से चेंज करने के लिए। जैसे कि अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, यहां पर अगर हम लोग देखें मलिक डायरेक्टरी पर अदर यूजर के लिए रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है, ठीक है। अब अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो CHMOD स्पेस ओनर यूजर के लिए आप क्या परमिशन देना चाहते हैं वो डिफाइन कीजिए, देन ओनर ग्रुप के लिए क्या परमिशन डिफाइन करना चाहते हैं वो नंबर डिसाइड कीजिएगा, और अदर यूजर के लिए आप क्या परमिशन देना चाहते हैं यानी कि 7। ओनर यूजर को आप रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं 5, ओनर ग्रुप को आप रीड और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं, अदर यूजर को आप रीड और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहते हैं किस फाइल और डायरेक्टरी पर, ये आप फाइल और डायरेक्टरी नेम डिफाइन कीजिए, टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ls स्पेस हाइफन l कमांड के द्वारा आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मलिक डायरेक्टरी का जो कलर है वो एक नॉर्मल डायरेक्टरी की तरह हो गया है, और आप अदर यूजर की परमिशन भी या किसी भी ओनर यूजर, ओनर ग्रुप या ऑन अदर यूजर की परमिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन सिंबॉलिक मेथड और न्यूमेरिक मेथड के द्वारा चेंज करके उनको अपने
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परमिशन डिसाइड कर सकते हो।